हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल। देखिए आज मैं आपके लाई हूँ कॉम्ब की आपके हेयर्स के लिए कौन सा बेस्ट कॉम्ब है जो आपको यूज करना चाहिए। तो मेरे पास है ये कॉम्ब का सेट, इसमें बहुत सारे कॉम्ब्स हैं। क्या मैं इसे ओपन करके दिखाऊं? तो अगर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह यूज करना है और कौन कौन से कॉम्ब आपको यूज करने चाहिए। तो मैंने किया था अमेजोन से परचेज, जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए इसमें मेरे पास ये सारे कॉम्ब्स मिले हैं। तो इसमें जो है 10 कॉम्ब्स हैं इस सेट में, मुझे 10 कॉम्ब्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सा कॉम्ब दिखाती हूँ, कौन सा कॉम्ब, कौन कौन से कॉम्ब मिल रहे हैं। एक तो हमारे पास ये लॉन्ग कॉम्ब, जो कि नॉर्मली आपके घरों में होता है, एक ये वाला कॉम्ब मिल रहा है, ठीक है, जो नॉर्मली आप यूज करते हो। इसके साथ साथ आप कौन सा जो ये देखिए ये वाला छोटा कॉम, यानी दोनों सेम है, ये एक बिग कॉम है, ये एक स्मॉल कॉम है, जो जेंट्स यूज करते हैं ज्यादातर वो वाला कॉम है, ये लेडीज यूज करती हैं। तो ये कॉम, दो कॉम सेम मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, एक है हमारे पास टेल कॉम, इसकी स्टील की टेल है, स्टील की टेल है, इसे बोलेंगे टेल कॉम्ब। ये देखिए इसकी स्टील की टेल है। तो ये है हमारे पास टेल कॉम्ब, जो कि हमें सेक्शन बनाने के लिए हेल्प होती है। और जब आप स्ट्रेट करते हो तो आपको इस कॉम्ब का यूज करना चाहिए, स्ट्रेटनिंग के लिए आपको इस कॉम्ब का यूज करना चाहिए। तो ये हमारे टेल कॉम्ब है, थर्ड कॉम्ब, ठीक है। और नेक्स्ट हमें मिल रही है फॉक कॉम्ब, ये है हमारे पास फॉक कॉम्ब, यानी आगे इसके कॉम्ब है, पीछे फॉक टाइप का, जो कि आपके वेव्स बनाने के लिए यूज होती है। ये आपका फॉक कॉम्ब इस सेट में मिल रही है, ये देखिए ये है आपके फॉक कॉम्ब। इसके अलावा इसमें आपको मिल रहे हैं ये वाले, ये दो कॉम्ब, ये भी आपके टैंगल फ्री करने के लिए, इसके जो ब्रश हैं काफी लूज हैं, तो ये आपको टैंगल फ्री करने के लिए। और दिस वन ऑल्सो, पीछे डबल फॉक है और आगे थोड़ा बेंड है, ये बेंड में है ये, तो ये भी ये आपके हेयर्स को टैंगल फ्री करने के लिए यूज होती है। ये आपकी वेव्स बनाने के लिए भी यूज हो सकती है ये वाली कॉम। इसके अलावा इसमें आपको मिल रही है दिस वन, ये भी नॉर्मली आप सबके घरों में होती है, आप इसका यूज ज्यादातर करते हो टैंगल फ्री करने के लिए, क्योंकि इसके जो टीथ है वो बहुत वाइड होते हैं, ये देखिए बहुत ही वाइड टीथ है इसके, ठीक है। तो ये दोनों वाइड टीथ है इनमें। और इसके इसमें और जो आपको कॉम मिल रही है, एक ये है, इस कॉम में आपको तीन चीजें मिल रही है, बैक में फॉग मिल रही है और फ्रंट में एक साइड जो वाइड जो इसके टीथ है वो एक साइड थोड़े नैरो है, ये ज्यादा नैरो नहीं है, थोड़े कम स्पेस में है और ये ज्यादा स्पेस में है। तो इसमें आपको एक कॉम्ब में 3 कॉम्ब्स मिलती हैं, दिस वन, ठीक है, जो आपकी हेयर स्टाइलिंग में भी यूज होती है, दिस वन। नेक्स्ट जो इस सेट में आपको मिल रही है, ये भी आपकी टेल कॉम्ब है, इसमें आपको 2 टेल कॉम्ब्स मिल रही हैं। एक तो है आपकी स्टील वाली टेल कॉम्ब, ये स्टील टेल कॉम्ब, और जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कही थी, ये है आपकी जो इसी मटेरियल की है, जिस मटेरियल का एक कॉम्ब है, यानी कि 2 कॉम्ब्स मिल रही हैं। ये देखिए ये टेल कॉम्ब है और ये दूसरी हमारे जो इस मटेरियल है जिसका जो इसका उसी मटेरियल की है, ये भी एक टेल कॉम्ब ही है। और इसके अलावा तो ये सारे कॉम, ये भी डबल फॉक, इसमें डबल फॉक की 2 कॉम्स हैं, एक ही दिस वन एंड दिस वन, ये आपको पहले दिखा चुकी हूँ, ये और ये, इसमें दोनों में डबल फॉक है, ठीक है। तो ये जो कॉम्स है, एक ट्रिपल फॉक वाली है, 2 डबल फॉक वाली है, 2 टेल कॉम्स है, एक स्टील वाली है, एक इसी के मटेरियल की है, और एक जेंट्स के लिए, एक लेडीज के लिए वाइड, यानी कि आपको हर तरह की वैरायटी मैं आपको दिखाऊं तो आपको इसमें हर तरह की कॉम्ब्स आपको अवेलेबल है। ये देखिए हर तरह की कॉम्ब्स जो है इसमें आपको मिल रही है। ये पूरा सेट है जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज किया था अमेजोन से, तो ये सेट बहुत अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि इसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब मैंने बाहर से भी कुछ चीजें परचेज की हैं,
इन कॉम्स के अलावा, वो क्या थी? देखिए टेलकॉम तो इसमें थी ऑलरेडी, मैंने जो इनसे पहले जो लिया था, इन कॉम्स को लेने से पहले जो लिया था वो थी ये वाली कॉम। ये प्लास्टिक की कॉम है और इसके पीछे टेल है, यानी कि सेम ऐसी कॉम जो कि मुझे इसमें मिल रही है, ठीक है ना। यही कॉम मुझे इस पैकेट में ही मिल रही है और ये मैंने पहले परचेज की थी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप स्ट्रेटनिंग करें तो इस कॉम का यूज कभी ना करें, क्योंकि अगर आप इस कॉम का यूज करोगे तो ये प्रॉपरली प्लास्टिक की बनी हुई है, जब आप स्ट्रेट करोगे कॉम करोगे तो ये मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के जो प्लास्टिक होती है वो आपके बालों में ही चिपक जाती है। इस वजह से इस कॉम का यूज आप स्ट्रेट करने के लिए कभी मत करें। अगर आपको स्ट्रेट करनी है तो आप यूज करें टेल कॉम का, और वो भी जिसकी जो टेल है वो स्टील की है वो वाला यूज करें, प्लास्टिक वाले नहीं। जिसकी टेल स्टील की है उस कॉम का यूज करें, किसके लिए? स्ट्रेटनिंग करने के लिए। नेक्स्ट, आपके पास जो घरों में अवेलेबल होती है वो ये वाली कॉम है, ठीक है, और ये कॉम आपको इसमें भी मिल रही है। ये जो मैंने पूरा पैक दिखाया है ना, इसमें भी आपको ये कॉम अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने और भी कॉम्स परचेज की हैं। ये जो है ये वाली कॉम, ये आपने देखा होगा, ये प्रोफेशनल कॉम होती है, और ये जो कॉम होती है, इस कॉम का जो ये इसके जो टीथ होते हैं ना, इसके टीथ तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, देख रहे हैं इसके बाद, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बेंड हो जाती है, देखिए बेंड हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा बेंड नहीं होते, ठीक है। ये आपके बालों को इजिली कॉम करती है, आपके बालों को इजिली टेंगल फ्री करती है। ये आपको स्टील में, पास स्टील की भी है, ये वुड में है, और ऊपर से इसके जो टीथ होते हैं वो सीरामिक के बने होते हैं, इस पे लिखा हुआ है, देखिए ये सीरामिक के बने हुए होते हैं, और इनकी कैपेसिटी जो होती है, जो हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, 230 डिग्री सेल्सियस की होती है। मीन्स टू से ये 230 डिग्री सेल्सियस को सहन कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट करोगे, सपोज आप स्ट्रेट करते हो इस फॉर्म में, तो जब आप स्ट्रेट करते हो ना, तो ये जो कॉम है ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करती है, आपके जो स्ट्रेटनर है इससे इसके जो टीथ है वो मेल्ट नहीं होते हैं, और आपके बालों को प्रॉपरली स्ट्रेट करती है। नेक्स्ट एक और कॉम है मेरे पास, वो है दिस वन। आप देख सकते हैं ये जो कॉम है ये मैं यूज करती हूँ, ये मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ। अब इस कॉम में क्या है कि ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसका इनर पार्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, और देखिए इसमें एयर, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें एयर होती है, आप सुन सकते हैं इसमें एयर फील होती है, ठीक है, एयर का प्रेशर होता है इसमें। और ये जो कॉम है आपके बालों को बहुत इजिली टेंगल फ्री करती है और आपके बालों को कम से कम ब्रेक करती है। तो मैं कहती हूँ जब भी आप घरों में यूज करो तो इस कॉम का यूज करो। ये आपको थोड़ी सी कॉस्टली जरूर पड़ेगी, लेकिन ये जो कॉम है बहुत ही बेस्ट कॉम है। इसके अलावा ये जो कॉम है, ये दोनों मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट, सबसे ज्यादा बेस्ट कॉम है। और इसके अलावा ये जो टेल कॉम है, दिस वन ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और ये बाकी जो सारी कॉम्स है ना, ये आपके नॉर्मल पर्पज के लिए, आपके हेयर स्टाइलिंग के लिए, आपके वेव्स क्रिएट करने के लिए, या फिर और पर्पस के लिए आपकी यूज होती है, लेकिन ये जो तीन कॉम्स हैं ये मुझे बेस्ट लगी, बेस्ट कॉम्स, ठीक है। तो आप, मेरे पास ये सारा कलेक्शन कॉम्स का है और ये बहुत अच्छी कॉम्स हैं। अगर देखा जाए तो इनकी बहुत अच्छी कॉम्स हैं। मैं आपको इनके लिंक प्रोवाइड करूंगी, अगर आप लेना चाहते हो तो आप इजिली इन्हें परचेज कर सकते हो। तो ये है हमारे कॉम्स, और अगर आपको अच्छा लगे ये कॉम्स, मैंने आपको रिव्यू दिया, अगर मैं अपने रिव्यू दूँ तो मुझे ये कॉम्स बहुत अच्छे लगे हैं। बस मुझे एक चीज़ है कि इसमें एक टेल कॉम, जो स्टील वाली टेल कॉम है ना, ये एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी, मुझे ये थोड़ा लगा, क्योंकि इसमें क्या है कि प्लास्टिक पर एक स्टील की है, एक प्लास्टिक की है, मेरे को दोनों ये स्टील की कॉम्स होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों के टीथ में फ़र्क है। इसके टीथ अलग फॉर्म में है, ये देखिए आप देख रहे होंगे, और इसके तीत अलग फॉर्म में, दोनों की फॉर्मेशन अलग अलग है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ठीक भी है,
और लेकिन इसमें स्टील की जो कॉम है ये दो होनी चाहिए थी, लेकिन ये कॉम सेट है ऑब्वियसली एक ही मिलेगी। तो ये सारे कॉम्स हैं, अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप इन कॉम्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये देखिए, इन दो ये सारे कॉम्स का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे कॉम सेट हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।